Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ये मेरे लिए बड़ा तारीखी मौका था कि अल्हम्रा की जो जामा मस्जिद अलगरनाता है उसके मीनारे पे खड़े होके अब्दुल वासे मोहम्मद मगरिब की अदान दे रहा था और मस्जिद के सामने दूसरी जानिब पहाड़ पर अल्हम्रा के महल्लात हैं जिन्हें मलका इजबेला और जो बादशाह था फर्नांडेड उसके हवाले कर दिया गया और उसके साथ ही 1492 को मुसलमानों का अंदलुस में जो इक्तदार था उसका खात्मा हो। स्पेन में मुसलमान बादशाहों और खिलाफतों के मुख्तलिफ अदवार के दौरान बैनुल मज़ाहिब हमहंगी बरकरार रही और मुख्तलिफ जो मसालिक थे क्रिश्चनों के वो और मुसलमान जूश सब मिलजुल कर रहते थे, लेकिन जैसे ही मुसलमानों का इक्तदार ख़त्म कैथोलिक बादशाहों की फतूहत शुरू हुई तो वो जो हमहंगी थी वो नापैद होती चली गई। 15वीं सदी में जवाल के बावजूद स्पेन में 5 से 6 लाख मुसलमान मौजूद जिनमें मकामी हिस्पानवी भी थे और गैर मुल्की भी, और आखिरी मुसलमान बादशाह जो अबू अब्दुल्ला जिसका नाम था उसने बगैर जंग किए मलका इजबेला और किंग को चाबियां हवाले की। तो जिस वक्त चाबियां हवाले की गई थी और जो अल्हम्रा है वो बगैर जंग के फतह किया गया तो उस वक्त कई माहदात थे जो मुसलमानों के साथ उन्होंने किए, उनमें से एक ये था कि तमाम के तमाम मजाहिब के लोगों को शहरियों को मजहबी आज़ादी और कारोबार करने की आज़ादी और उनकी जान माल की हिफाजत की जमानत दी जाएगी। लेकिन चंद साल बाद ही सूरत हाल बदलना शुरू और मुसलमानों के साथ साथ यहूदियों के लिए भी मुश्किलात बढ़ने लगी। मजालिम से तंग आकर मुसलमानों ने कई बगावतें भी की जो नाकाम बना दी गईं। फिर बाद अज़ां कुछ मुसलमान रजाकाराना तौर पर मराकश चले गए, अलजज़ायर चले गए और कुछ को ज़बरदस्ती बेदखल कर दिया गया और बहुत सारे लोगों को जबरी तौर पर उनका मज़हब तब्दील करवा दिया गया और कुछ को कत्ल कर दिया गया, मुसलमानों की किताबों को जलाया गया, यहाँ तक के किसी भी मजहबी मकाम मस्जिद वगैरह की जो है कोई भी निशानी तक कब्रिस्तान तक जो है उसको ख़त्म कर दिया गया। तो सूरत हाल ये हो गई कि स्पेन की ये सूरत हाल थी कि वहाँ पे चंद गुलामों के अलावा कोई मुसलमान बाकी नहीं रहा। 20वीं सदी ईस्वी में बिलखसूस दूसरी आलमी जंग के बाद मराकश और दीगर ममालिक से मुसलमान तारीख़ वतन का स्पेन में सिलसिला शुरू हुआ। कुछ लोग हुसूल इल्म के लिए आए, स्टूडेंट्स आए और कुछ हिस्पानवी जो लोकल लोग थे उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और उस वजह से अब लोगों को ज़रूरत थी कोई एक मस्जिद हो जिसमें वो इबादत कर सकें। अगर आप पूरी जो मुसलमानों की यानी मुस्लिम गरनाता की अगर हिस्ट्री को पढ़ना चाहते हैं या उसका इहाता करना चाहते हैं किसी एक जगह पर, तो उसके लिए जो सबसे बेहतरीन जगह है वो शाही महल अल्हम्रा के करीब एक मोहल्ला है जिसको अलबाइसिन कहा जाता है और यही वो जगह है जहां पर जब अल्हम्रा फॉल हुआ तो मुसलमान आकर आबाद हुए थे। इस मोहल्ले में कदीम तर्ज के बाजार, हमाम और इसकी गलियों में बाजारों में मुस्लिम अंदलुस दौर की सकाफत की झलक नज़र आती है। घरों और गलियों के नामों में भले तब्दीलियां की गईं लेकिन फिर भी कुछ हिस्से मुस्लिम अंदलुस के दौर की याद दिलाते हैं। दुनिया भर से सैयाह इस मोहल्ले को देखने आते हैं। 1984 में इस मोहल्ले को आलमी सकाफती वर्षा करार दे दिया गया। आज के दौर के स्पेन में अलबाइसिन मोहल्ले को अहमियत इसलिए भी हासिल है क्योंकि अब इस मकाम पर मुसलमानों की इस मोहल्ले में अक्सरियत रहती है। 70 और 80 की दिहाई में हिस्पानवी मुसलमानों की तादाद में इजाफा हुआ तो उन्हें इबादत के लिए मस्जिद की ज़रूरत महसूस हुई। तवील जद्दोजहद और इजाज़त मिलने के बाद मस्जिद की तामीर शुरू हुई। मस्जिद की तामीर और जगह ख़रीदने के लिए रकम मकामी शहरियों के अलावा कुछ मुस्लिम ममालिक ने भी अदा की जिनमें लीबिया के उस वक्त के मुअम्मर कज़ाफ़ी का नाम सरफहरिस्त है। काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा क्योंकि अवामी मकामात पर मुसलमानों को इबादत करने पर पाबंदी थी। इस वजह से जो मकामी बाशिंदे थे उनकी तरफ से शदीद मुखालफत थी कि इस मस्जिद को रोका जाए, लेकिन कई रुकावटों और पेचीदगियों को हल करने के बाद 2003 में गरनाता में 510 साल बाद बनने वाली पहली मस्जिद का बाकायदा इफ्तिताह हुआ जिसका इंतज़ाम मकामी मुसलमान शहरियों के पास है और ये स्पेन की वाहिद जामा मस्जिद है। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को
510 साल बाद ये दिन दिखाया कि जामा मस्जिद गरनाता के मीनारों से ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद हुई और मस्जिद से अजान दी गई। इस मस्जिद की जो तर्ज तामीर है उसके अंदर जो आया सोफिया है उसको थोड़ा सा सामने रखा गया है, कुर्तुबा मस्जिद को भी सामने रखा गया है, मस्जिद अक्सा का भी कोई नक्श निगार लिया गया है, लेकिन ज़्यादातर इसकी जो तर्ज तामीर है वो स्पाइनिश तर्ज तामीर है। यानी मुसलमान जहाँ भी जाते हैं वो लोकल जो आर्किटेक्चरल स्टाइल होता है रिहाइशों का और इमारतों का वही अडॉप्ट करते हैं। तो लिहाजा ये मस्जिद अपनी फन तामीर के अतबार से एक शाहकार है और इसके अंदर औरतों के लिए मखसूस जगह है, इबादत के लिए एक कल्चरल सेंटर है, इसके अंदर एक लाइब्रेरी है और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत गार्डन है जिसमें मुख्तलिफ अनवा अकसाम के पौधे हैं और एक खूबसूरत कॉफ़ी शॉप भी है जहाँ पर जो मुसलमान आते हैं और गैर मुस्लिम आते हैं उनकी तवाज़ो कहवे के साथ की जाती है और बकलावा स्वीट के साथ की जाती है। इस मोहल्ले में और इस मस्जिद में मेरा कई दफ़ा आना हुआ और कई दफ़ा नमाज़ पढ़ने की अल्लाह ताला ने सआदत अता फरमाई, जुम्मा की नमाज़ फैमिली के साथ पढ़ने की सआदत अता फरमाई। जब भी मैं आता हूँ मुझे एक ख़ास किस्म का सुकून महसूस होता है और मायूसी मेरे अंदर से ख़त्म होती है कि 800 साल मुसलमानों का दौर अगर ख़त्म हुआ तो अल्लाह ताला ने फिर यहाँ से इस्लाम को की नशात सानिया हुई। अल्हम्दुलिल्लाह आज कई हज़ार मुसलमान स्पैनिश मुसलमान जो इस मस्जिद को आबाद करते हैं और अल्लाह ताला ने अब्दुल वासे को ये सआदत दी कि उसने यहाँ पे अजान दी। उस वक्त मेरी रूहानी कैफियत जो है वो मैं बयान नहीं कर सकता। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला यहाँ के मुसलमानों को ईमान पर इस्लाम पर कायम दायम रखे और इस्लाम के फैलने का सबब बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन।